तशरीफ फरमा सदर कुली मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अलहाज बैरिस्टर मोहतरम खान के सबके नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वक्त कम है और सुनने वाले बुजुर्गों नौजवान साथियों और पर्दा नशीन इज्जतमार माँ और बहनों, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका औलिया अल्लाह की दुआएं मेरे मरहूम वालिद सदर साबिक सदर मजलिस सालार मिल्लत अल्लाह सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब की दुआ और मेरी वालिदा की दुआ और मेरे बड़े भाई व सदर मजलिस बैरिस असदुद्दीन ओवैसी साहब तावन और दुआ और उसके अपने साथ चंद्रा के हैदराबाद की आवाम की दुआओं का नजा कि आज और मदा का आगाज हो रहा है, ये सब इन लोगों की दुआओं का नतीजा है, नहीं ये मुमकिन नहीं हो सकता था। और आज से 10 बरस पहले साई मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के नाम हमने बस्तियों स्लम बस्तियों वो मासूम नौनिहाल जो तालीम इल्म की से बहुत दूर है उनको तालीम के जरिए उनके अन्य जिंदगियों में जिंदगी में एक नए आलों को ला अजम व इरादे कर आगे में अल्हम्दुलिल्लाह के इंतखाबात मैं आवाम से ये वादा था कि मैं इंतखाब में इज्जत के लिए नाम के लिए औरत के लिए नहीं आऊँ बल्कि इस इंतखाबात में इसलिए आया हूँ कि शहर है मैं इस पूरे शहर और हर तहली चंद्रा एंडगुटे के मासूमों के हाथों मजलिस के पर्दों के साथ साथ उन हाथों में किताब और खल थमाना चाहता हूँ। ये अंत था ये नादा था और हमदा तौफीक दी सलाहियत दी इस्तेदाद दी और इस्तेदाद अगर आज मेरे पास है तो ये मेरी अपनी नहीं है बल्कि ये साथ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की वजह से आम की वजह से मेरे मोम वालिद की वजह से मेरे मौजूदा असदुद्दीन की साहब से शामिल बना और इस्तेदाद भी आएंगे और मरतबा यही बात ही चीज बार बार दिमाग में आती है कि वो क्या है जिसकी वजह से मुझ जैसे मेदार को एक जिंदगी दी हयात बखी इतना बड़ा हमला होने के बाद भी यही समझता हूँ कि एक मकसद के साथ जीनी चाहिए उस जिंदगी में जिस जिंदगी में कोई मकसद तो जिंदगी बेनी हो जाए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही समझता हूँ क्या ने दूसरी जिंदगी मुझे अता की है इस दूसरी जिंदगी में जितना हो सके गरीब मुसलमानों के लिए करता रहूं और करते करते इस दुनिया से रुख हो जाऊं शायद अल्लाह इस गुने का करवाना चाहता था। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सिर्फ बाकी तकारी नारे नहीं लगाती कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इत्तेहाद के साथ इन पर तवज्जो देते हैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हजार बच्चे पढ़ रहे हैं और जमाल कॉलोनी में मदरसा चला है वहाँ पर भी करीब 1000 बच्चे जहरे तालीम है एजुकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है अब का इंतजाम किया गया है बल्कि हमारे टीम का इंकलाब आगे बढ़े मालेगांव में 1.5 एकड़ जमीन हमने ली है इंशाअल्लाह ताला सदर मजलिस जैसे ही वक्त देंगे वहाँ पर भी 1.5 एकड़ खरीद 50,000 स्क्वायर फीट के तामीर का बहुत बड़ा स्कूल का माने गरीब मुसलमानों के लिए मालेगांव के बाद मैंने टी में भी जमीन दी है भिवंडी में भी स्कूल वहाँ पर भी बना रहे हैं वोकेशनल ट्रेनिंग का सेंटर भी कायम कर रहे हैं सेंटर भी आ रहे हैं और कल ही अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा ओवैसी वुमेन्स कॉलेज का संग बुनियाद रखा है इंशाअल्लाह होता 3 साल के अंदर ही अंदर इंशाअल्लाह 3 से 4 में वुमेन्स कॉलेज का नाम होगा जहाँ प्रीमियर कॉलेज का लड़कियों के लिए होगा ग्रेजुएशन का मैं आप
आपको ये भी बताता हूँ, 10 साल के हमने सुनकर हैरत होगी, मदरसे इन सारे करीब 1000 हमने वो केस किया है, उनकी भी 20 नौकरी हमने रखवाया है चंद्रगढ़ पुराने शहर के लोगों को। अब नैक का सेंटर भी यहाँ पर है, अब हम लिफ्ट है जो निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग है उसकी भी एक शाख पुराने शहर में कायम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और न सिर्फ ये बल्कि माइक्रो और बड़े इंडस्ट्री के जो सेंटर है जो हाइटी में है हम वो सेंटर यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पर भी ट्रेनिंग हम करना चाह रहे हैं। और यहाँ ये बिल्डिंग भी हरी पाई कोर्सेज है, अभी शुरू नहीं हुआ है, 100 खवातीन ने एनरोलमेंट किया है, सुई है तो सीना सिखा रहे हैं और सोफे सीना सिखाए हैं, उसके साथ साथ मर्द बच्चे कपड़े, मर्दियों के कपड़े, औरतों के कपड़े, बच्चों के कपड़े, हर एक चीज यहाँ पे शीर है, एम्ब्रॉयडरी की सारी यहाँ पे है, यहाँ पे सिखा रहे। तो उसमें करीब 350 खवातीन ने अपने नामों का इंदराज करवाया है वो स्विंग सेंटर हुनर को सीखने के लिए, नशे कारचोद के 150 बच्चे और ताली बालिगा का हम कर रहे हैं, जहाँ 20 साल 20 की उम्र के 3 को तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं। रियागर के स्कूल में गुजशत तालीमी साल मार में 40 साल खवातीन ने 10th का इम्तिहान लिखकर पास किया है। हम ओपन स्कूल के जरिए 10 ड्रॉप को भी तालीम दे रहे हैं, ला रहे हैं और उनकी सारी फीस हम दे रहे हैं यहाँ सालाना मिलत एजुकेशन ट्रस्ट से। एक और एक बात मैं आपके इल्म में लाना चाह रहा हूँ कि चंद्रे में कारी मदारस में जित लुआ जाए के मैथमेटिक्स के इंग्लिश के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के गवर्नमेंट का इम्तिहान तखरुर ना जाने होंगे चंद्रायन गुट्टे कारे मदर जो स्कूल में जो भी टीचर्स इम्पोर्टेंट टीचर्स पोस्ट जो वेकेंट हम वो पोस्टों फिल करेंगे, हम अपने टीचर्स को सरकारी मदारस में डालें और ताकि वहां पे मयार तालीम को उठा रहे हैं। ये काम भी हमारे महान लाभे के कितने देते हैं, गाइड देते हैं, बैग दे रहे हैं, इनके बच्चों फीस भी हम अलग करते हैं। और आज दावे से कहूं कि मेरे शहर में भी इतना मयारी स्कूल नहीं होगा, इतना आलीशान स्कूल नहीं होगा, इतना अच्छा स्कूल नहीं होगा जो पुराने शहर के गरीब आवाम के लिए मुफ्त स्कूल का इंतजाम हम। और आज ये है कि हम जितने स्कूल है हम हमारे स्कूल नहीं लेते फिर तालीम देते हैं। मैं नहीं सोचता हूं कि तालीम के मैदान में हिंदुस्तान की कोई सियासी जमात हम कर रही है जितना काम मनव सदर मुस्लिमीन की थी मिल्ल हमारे में और ज्यादा किया की है हम राजी की हयात। आज काम इतना है कि मनव सदरवानी जमात खरी बल्कि अमली तौर से काम करती है और यह काम है हमारा जो चाहे हिंदुस्तान जीते हैं इंशाल्लाह और जीते सिर्फ उनका नतीजा है सब है सबके इत्तेहाद है उनकी नाम क्या है। और एक हमारा साथ 30,000-40,000 स्कूल है और टीयर कॉलेज डिग्री कॉलेज आ रहा है 70,000 है और इंशाल्लाह ताला आगे हमारा है में जहां पर रख करते रहने का भी करेंगे और एक लेंगे सिर्फ अली के हम दीनी जो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतना अच्छा सिलेबस डिजाइन किया है। हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं जामे निजामिया के ताउन के जरिए उलमा असातरीए अनवर साहब की हालत में हमने नर्सक एक बच्चा पास करता है हमारे मदरसों से तो वह सिर्फ 10th का सर्टिफिकेट लेकर नहीं जाएगा वो दीन से सभी खत्म करेगा कलमा तो फौरन खत्म करेगा अहदीस से हदीस से लाज होगा सीरत की से होगा पास के जदीद साइंस से होगा तो कर मौली साहब बुलाकर अपने दी तालीम दे जरूरत है हमारे मदरसे में भेज दें वो पास करेगा कुरान अर्जुओं के साथ खत्म करेगा हदीस से भी होगा साइंस से होगा मरण से होगा दोस्त से होगा सेवा से होगा। ये काम रही है क्या नहीं है ये काम आपके इत्तेहाद का मरकज है ये बुलंदी इस इमारत मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ ये इमारत की नहीं ये बुलंदी हमारे अज़्म की हमारे इज्जत की है हमारे जुनून की है हमारे कबीलियत है मौका मिले तो हम दुनिया में सबसे अव्वल है अल्लाह तआला तक मैं नहीं आ रहा हूँ लेकिन जोर से लंग ओएसी कॉलेज मिलने वाले बस अल्लाह मुस्तकबिल में एस बन गए आईएएस बन गए आईएएस बन गए आईएएस बन गए ना देखने के लिए लेकिन हमारी आंसल हमारी हरा ये इंशाल्लाह हम इस ख्वाब को करें यहाँ
जो आए हैं तहरीम में शिरकत करने के लिए, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर मजलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे साथ ही हाकिम समय का शुक्रिया अदा करता हूँ, के एडिटर सलमान अवैसी साहब शुक्रिया अदा करता हूँ, इसी मतलब भी शुक्रिया सब शुक्रिया। ये इदारा आप सबका इदारा है, अल्लाह गवाह है कि अल्लाह हमारी रोह की हिफाजत करे, हमारे इदारे में पढ़ने वाले बच्चों को नए साल आए हर बनाए दुनिया में फरमाए, ऐसी किसी तरीके से हमारे ऊपर नौजवानों की खातिन की इन लोगों के तावन के बगैर शायद वो नशीमन नगर का मदरसे का खाब भी वो जमीन दस्तियाब हुई और वहाँ पे मदरसा बन रहा है। तो इसी में कहता हूँ कारनामा कारनामा नहीं है, देखने की वजह से ही ये अपने की